मध्य प्रदेश के सागर में चाचा का शव ले जाती भतीजी का एम्बुलेंस से गिरने से मौत मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी होते जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रशासन पूरा हत्यारों के साथ है। एक व्यक्ति की हत्या हुई, किसने की, क्या की, केवल पुलिस को पता है, हत्यारों को पता है, कोई एक भी गवाह नहीं। एक तरह से ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूं कि अभी राहुल गांधी जी ने मृतकों से बात की है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को मृतकों को के परिजनों को साथ में लेके कोर्ट में जाके सीबीआई इनका इंक्वायरी की मांग है। कोर्ट के माध्यम से सरकार से तो आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों लड़की मृतिका मरी इनकी बहन, क्यों इनके चाचा की हत्या हुई, चाचा की हत्या हुई वो परिदृश्य जो बताया जा रहा है वो सही है, इसके अलावा भी कुछ है। एक दलित परिवार को, अहिरवार परिवार को किस तरीके से दमंगई से बुंदेलखंड में क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की, ये एक उसकी वानगी आई है। राहुल जी ने कहा है कि पूरी मदद करेंगे, इनसे राहुल गांधी जी की बात हुई है, आओ आप जरा बता क्या बात हुई है। इनके भाई है जो इसकी हत्या, दोनों भाई बहन के, इसके भाई, इसके चाचा की हत्या, क्या कहा है राहुल गांधी ने आपसे? ने ये बोला है कि जो कुछ भी हुआ है हम उसकी कार्रवाई करवाएंगे, जांच करवाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो हमें बताएं। चलिए सर, मैं मानता हूँ ऐसे में हमारे जब कल दिग्विजय सिंह जी आए थे उन्होंने कुछ जो पर्टिकुलर बातें कही थी, जब भाई की इनकी हत्या हुई थी तो प्रशासन ने एक लेटर दिया था, उस लेटर पर अमल नहीं हुआ। ये प्रशासन का कार्रवाई का हिस्सा है, इनकी सुरक्षा थी, सुरक्षा अभी हटा दी जाती है फिर हत्या हो जाती है। मतलब स्थिति क्या है, सागर से सीधा नहीं लाते हैं, वायापुर ही लाते हैं डेड बॉडी, सीधा डेड बॉडी यानी लाए वायापुर ही आएगी, लंबा क्यों ले गए, क्या कारण था, क्या लॉजिक था कि जिसकी हत्या हुई एक भी गवाह नहीं, किसी के सामने नहीं हुई, ऐसा कैसे संभव है। जो बच्ची को कहा कि ये कूद गई, ये अपने आप में कोई भी चलती हुई गाड़ी में से जो बच्ची पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, हर तरीके से लड़ रही थी, उसके भाई की गरीब थी पर उसके माँ बाप के हक और अधिकार के कॉलेज में पढ़ी हुई थी, कानून की बात करती थी, उसके कई वीडियो है, मरने से पहले वीडियो बनाया, जो बच्चे की हत्या हो गई थी तब वीडियो बनाया, उससे पहले वीडियो बनाया, उसने सब बातें कही कि ऐसा 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 ऐसा, हर चीज पब्लिक डोमेन में। मैं मानता हूँ इन सारे साक्ष्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी इनकी परिवार की, पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगी और सरकार से भी मांग करेगी सीबीआई जांच की, लिखित में भी करेगी, अभी मौखिक भी आपके माध्यम से मैं कर रहा हूं, और इसके अलावा भी हम कोर्ट के माध्यम से भी जाएंगे अगर सरकार की हठधर्मिता इसी तरीके से चलती रही। फिर से मोहन यादव जी, आपके राज्य में दलित होना पाप हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार का साथी होना एक तरह से अभिशाप हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार एसटीएससी के लोगों पर जिस तरीके का अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये मैं समझता हूं दुनिया में ऐसा कहीं, भारतवर्ष में कहीं, देश के आजादी के बाद कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो इस पीरियड में हो रहा है। इसकी घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी और मोहन यादव जी से अनुरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि संज्ञान में लें, हालात गंभीर है, पीड़ित परेशान है, दुखी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना अनाचार अत्याचार हो रहा है अकल्पनीय है, फिल्मों में इससे भयावह स्थिति, फिल्मों से ज्यादा भयावह स्थिति देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि क्यों संविधान खतरे में और क्यों आरक्षण खतरे में, क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार खतरे में, उसका उदाहरण यहां फिर से एक बार सागर बुंदेलखंड के इस खुरई के कस्बे में हमने देखा है। तो मैं फिर से मांग करता हूं सीबीआई। जीतू बोले, मध्य प्रदेश जंगल राज की पराकाष्ठा को पार चुका है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अन्याय, किसानों के साथ कुठाराघात, व्यापारी वर्ग के साथ लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार और सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा घोटाले के मामले हर दिन प्रदेश को कलंकित कर रहे हैं। मेरे भाई की हत्या हो गई थी और अभी हमारी बहन की राजनामा गवाह बना रहे थे तो जो एक गवाह था राजेश, उसकी भी हत्या हो गई और हमारी बहन को भी मरवा दिया।
वो प्रशासन बहुत दबाव बना रहा, उसमें से तीन आरोपी अंकित सिंह और विजय सिंह का केस में नाम नहीं है। ऐसे करिए आप पूरा जीतू को समझा दीजिए जी, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत जी, और जो भी आपको जरूरत होगी मदद की हम आपकी मदद कर लेंगे। ठीक है जी, जी। ठीक ओके थैंक यू राहुल गांधी जी बेटा। अब चलो तेरी मदद। पटवारी ने कहा है कि क्या मध्य प्रदेश में अब दलित होना गुनाह हो गया है? आदिवासी अत्याचारों में अव्वल आ रहा प्रदेश क्या दलित उत्पीड़न में भी मिसाल बनना चाहता है? यह संकट अकेले सागर नहीं, प्रदेश के हर जिले का हो गया है। मजाक बन चुकी कानून व्यवस्था अपराधियों के हौसलों को बढ़ावा दे रही है, सरकार भी खामोश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कहा कि गृहमंत्री के रूप में सबसे कलंकित कार्यकाल के बावजूद आप सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं भाजपा सरकार के पास बेलगाम अपराधों को रोकने की कोई योजना है। पटवारी ने कहा है कि सागर जिले की खुरई विधानसभा के बरोदिया नोनागिर गांव में राजेंद्र अहिरवार नामक युवक पर राजीनामा करने के दबाव में 5 लोगों द्वारा हमला किया जाता है। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र का उपचार के लिए भोपाल ले जाते समय निधन हो जाता है। 26 मई को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। शव वाहन में ड्राइवर, मृतक की भतीजी अंजना अहिरवार और मृतक के माता पिता बरोदिया नोनागिर के लिए निकलते हैं। खुरई बायपास पर अंजना शव वाहन से गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। यहां उल्लेखनीय यह भी है कि अंजना के भाई नितिन अहिरवार की अगस्त 2023 में बरोदिया नोनागिर में ही सरेआम हत्या कर दी थी। उसका परिवार आज भी इंसाफ के लिए भटक रहा है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि मोहन यादव जी रंजिश और जघन्य हत्या की यह कहानी सिर्फ इसलिए बताई गई ताकि आपको एहसास हो सके कि प्रदेश की कानून व्यवस्था अराजकता के सारे पड़ाव पार कर चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिर में दलित युवती अंजना अहिरवार द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत से खिन्न गुंडों ने युवती के भाई नितिन अहिरवार की पिछले वर्ष अगस्त माह में हत्या कर दी थी। हत्या में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी। हत्या के बाद पीड़ित परिवार पर समझौते के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित परिवार समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो 2 दिन पूर्व पीड़िता के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। जब पीड़ित युवती के चाचा का पोस्टमार्टम कराकर शव को वापस ले जाया जा रहा था तब रास्ते में पीड़िता अंजना अहिरवार संदिग्ध परिस्थितियों में एम्बुलेंस से गिर गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं कि किस तरह 9 महीने के भीतर एक दलित बेटी की छेड़छाड़ की शिकायत पर पहले उसके भाई की हत्या, फिर उसके चाचा की हत्या और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उस बेटी की भी मौत हो गई। पीड़िता के भाई की हत्या के बाद प्रशासन ने पीड़िता को नौकरी और सुरक्षा समेत कई आश्वासन दिए थे, उनमें से कुछ भी पूरे नहीं किए गए। अंजना को नौकरी नहीं मिली, घर से सुरक्षा हटा दी गई, सीसीटीवी के केबल काट दिए गए, राजीनामा के लिए बार बार दबाव बनाया गया। पीड़ित बेटी ने थाने में शिकायत भी की परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मध्य प्रदेश में अब दलित होना गुनाह हो गया है? क्या एक पूरे दलित परिवार को खत्म करने वाले बीजेपी संरक्षित आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या मुख्यमंत्री इस परिवार के बचे हुए सदस्यों का जीवित बचना सुरक्षित करेंगे? जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, समीक्षा करें गृहमंत्री होने के नाते। क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्यों लगातार जंगल राज की स्थापना हो गई है और इसके लिए दोषी कौन है? दलित परिवार पर किस तरह का प्रकरण है? पहले बहन के साथ छेड़खानी, फिर भाई की हत्या, फिर चाचा की हत्या, फिर इस बीच में मां को भी एक तरह से निर्वस्त करना और फिर बेटी का भी ईश्वर की घटनाक्रम, जो वो भी उनकी भी मृत्यु हुई। ये कहां सुना और पढ़ा आपने आज तक ऐसा, जैसा यहां हुआ है? मैं मानता हूं जो मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता, पर कई प्रदेशों में लिखा जा रहा था जंगल राज, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर जंगल राज की श्रेणी में है और मुख्यमंत्री से आग्रह है वो जागे। हर जगह जंगल राज है, हर जगह अपराध है, हर जगह फिरौती है, हर जगह हत्याएं हैं, हर जगह बलात्कार है, गैंगरेप है। तो जो गुनाह की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को
सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना ये तालिबानी नहीं है तो क्या इससे अलावा, इसके अलावा दिखता है तालिबानी? तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है और जो सरकार का फेलियर है, मैं समझता हूँ चिंता का विषय।